ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। मैं हूं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह पर टिप्पणी करने वाले आनंद परांजपे के खिलाफ MIM पार्टी के यूथ प्रेसिडेंट सैफ पठान और अजीज बाटा ने शांतिपूर्वक तरीके से शिमला पार्क से बाबा साहब अंबेडकर चौक तक पैदल मार्च निकालने वाले थे, मगर पुलिस प्रशासन की तरफ से इन्हें पैदल मार्च निकालने की अनुमति नहीं मिली। मगर इस मुद्दे पर अनुमति नहीं मिलने पर फेसबुक लाइव आकर अपनी बात रखी। इनका कहना है कि जब तक आनंद परांजपे माफी नहीं मांग लेते हैं तब तक हम खामोश नहीं बैठेंगे, क्योंकि ये हमारे भावनाओं से जुड़ा हुआ है और हम औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह पर टिप्पणी बर्दाश्त नहीं कर सकते। मगर आज क्यों पुलिस प्रशासन की तरफ से पैदल मार्च निकालने की अनुमति नहीं दी गई, इस पर अजीज बाटा ने फोन लाइन पर क्या जानकारी दी है। अजीज भाई, जिस तरह से आज आप लोग जो है खामोश एहतजाज करने वाले थे, तो क्या हुआ जो है ऐसा कि आपको आज परमिशन नहीं मिली? ऐसा पुलिस स्टेशन की तरफ से हमको ये इन्फॉर्मेशन आई है कि आज सुबह दीवा में कुछ कार्रवाई में गए थे तो वहाँ पर लोगों की तरफ से पथराव हो गया और वो पथराव की वजह से जो है ना सारे पुलिस स्टेशन का बंदोबस्त वहाँ डाइवर्ट किए, इसलिए हमारा परमिशन जो है अचानक में उन्होंने कैंसिल किया, ऐसा उनकी तरफ से हमको राइटिंग में दिया गया और ये बोला गया टेक्निकली कि अगर तुमको फिर भी एहतजाज करना ही है तो हम तुमको आंदोलन का परमिशन देते, कोई भी एक जगह खड़े रह के आंदोलन कर लो। तो उसको हम लोगों ने सिरे से नकार दिया, क्योंकि ये एक भावनात्मक मुद्दा है, कोई हिंदू मुस्लिम वाला मुद्दा नहीं है, भावनात्मक मुद्दा है। हजरत औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह की शान में गुस्ताखी एक आदमी ने कर दिया है, हम ये चाह रहे कि वो आदमी सिर्फ माफी मांग ले और ये मुद्दे को खत्म कर दे, लेकिन ये ऐसा नहीं होने की वजह से हमने परमिशन लिया था, कैंसिल हुआ है, देखते हैं अभी आगे का इंशाल्लाह। तो अभी आज तो आज आपका परमिशन जो है कैंसिल कर दिया गया है, तो आगे आपका क्या स्टैंड रहेगा इस पर? क्या आप माफी मांगने के लिए जो है आप उस पर कायम है कि वो माफी मांगे? हम अपने स्टैंड पे पूरी तरह कायम है, उनसे माफी मंगवा के रहेंगे, अगर वो गलत है तो माफी मांग लेना। एक कोई आदमी माफी मांगने से छोटा हो जाता है क्या? नहीं होता है, बड़ा हो जाएगा। तो अगर उन्होंने माफी नहीं मांगी तो फिर क्या? जैसे उन्होंने अगर माफी नहीं मांगी तो फिर आप लोगों का स्टैंड फिर रहेगा मोर्चा निकालने का? हम टेक्निकल और लीगल एस्पेक्ट हर तरीके से देखेंगे, डेमोक्रेटिक राइट भी जो हमारे बनते हैं उस हिसाब से भी देखेंगे, और उनको माफी तो मांगना पड़ेगी क्योंकि आने वाले वक्त में इलेक्शन है और उनके ही पार्टी का यहाँ से MLA जीत कर आता है और बड़ी अच्छी संख्या में मुस्लिम वोट उनको गिरते हैं, तो वो खुद भी नहीं चाहेंगे कि उनका वोट बैंक डैमेज हो, क्योंकि एक बहुत बड़ा तबका है मुसलमानों का जो बुजुर्गाने दीन को बहुत दिल और जान से फॉलो करते हैं, समझे ना? तो वो तबका जो इनसे नाराज हो जाएगा अगर इन्होंने माफी नहीं मांगी इलेक्शन सर पे। उनको खुद सोचना चाहिए कि ये मामूली सी बात है, संजय निरुपम ने भी ऐसी शान में गुस्ताखी की थी हजरत के औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के, लेकिन जैसे ही वहां पे उनकी पार्टी के लोगों ने विरोध किया और भी लोगों ने मुसलमानों ने विरोध किया तो उन्होंने 4 दिन बाद फौरन माफी मांग ली। तो ये कौन से इतने बड़े नेता, इनको भी माफी मांग लेना चाहिए, ये हमारी मांग है और इंशाल्लाह वो माफी मांगे कि हमको पूरा यकीन है। अजीज बाटा ने बताया कि माफी तो हर हाल में ही मांगनी पड़ेगी। पैदल मार्च निकालने के सवाल पर बताया कि हमारी पूरी कोशिश जारी रहेगी और जब तक टिप्पणी करने वाला व्यक्ति माफी नहीं मांग लेगा तब तक हम शांत नहीं बैठेंगे। तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स।